हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स। और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैंने फाइनली आज DIY कर लिया और अभी तो बाल सूखे नहीं अच्छे से, बट फिर भी बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। और DIY मैंने क्या किया हुआ है वो मेरे निवाशु चैनल पर गया हुआ है, तो आप सभी जा करके देख लीजिएगा। मैं ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी वाशु की मैम जो है ना वो पढ़ा करके गई हैं, तो मैंने कहा कि अभी स्टार्ट कर दूँ। आज मैंने वॉशरूम भी एकदम अच्छे से साफ़ किया 2 घंटे तक। एकदम जब मैं साफ़ करने बैठती हूँ तो एकदम अच्छे से एक एक चीज़ पूरा साफ़ करती हूँ, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और अभी जा रहे हैं हम बनाना खाने। वाशु आ जा बेटू, टी शर्ट नहीं पहने हो? आज मैंने काफ़ी दिन से दिया हुआ था एक जगह पे अपना कपड़ा सिलने के लिए ब्लाउज़ वगैरह, तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ ले लूँ। बहुत दिन से सोच रही थी, जा नहीं पा रही हूँ, जा करके बस लेके आ जाना, इसलिए मैं वाशु को लेके नहीं जा रही हूँ। ठीक है ना बेटू? मैं आ गई वापस और कितना, मेरी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसकी बैटरी चेंज करवानी है। यहाँ से चढ़ ही नहीं रहा था, किसी तरह से चढ़ा है, हेल्प ले करके चढ़वाया मैंने। और रास्ते में मुझे दिख गया राज बंधु, काफ़ी अच्छी शॉप है, तो मैंने कहा कुछ मिठाइयाँ ले लूँ अपने पट्टू के लिए। ये है रसगुल्ले और ये एक कोई ना नई टाइप की मिठाई थी, मैं दिखाती हूँ। पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, देखिए इसका नाम मुझे नहीं पता, बस मैंने देखा मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। वाशु की ये फेवरेट काजू बर्फी। वैसे भी वाशु बहुत दिन से मीठा नहीं खा रहा था। एक साथ नहीं खाना, सिर्फ 2 लो। वाशु को काफ़ी दिन से मीठा मैं तो दे नहीं रही थी, देखिए गर्मी कितनी। AC ऑन किया है अभी मैंने, जाते जाते चेंज कर लिया था, ये जो आप सभी को दिखाया था वही पहना हुआ है। मैं भी थोड़ा सा खा के पानी पी लेती हूँ। इस वाले का पता नहीं कैसा टेस्ट है, पहले इसको टेस्ट करते हैं देखो कैसा है। ये क्या है ये, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है वाला। और इसके बाद ये क्या है? उल्टे हाथ से निकाल रही हूँ ना तो निकल भी नहीं रहा। बहुत टेस्टी लग रहा है, खिलाओ नहीं बता। आके तो देखो देखो, उसको खाली काजू बर्फी चाहिए। अब पता है मैं गई थी, इतनी दूर मैं गई हूँ, लेकिन वो थी ही नहीं जिनको मैंने कपड़े सिलने के लिए दिया था। एक तो इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के जाओ, आगे से मैं अपने घर ही ले जाके कपड़े दूंगी। इसकी पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी है, ये ना जो दिया जिसका होता है ना मिट्टी का, उसका किसी के तो पैसे ले लेते हैं। ये हो चुका है मेरा डिनर रेडी, रोटी सब्जी सैलेड। अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और वाशु को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ। आज है थर्सडे और आज है मेरा फास्ट। बस मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। अब जा रही हूँ, घर की साफ़ सफाई करूँगी, घर के सारे काम करूँगी, देन नहाकर के पूजा पाठ अपना करूँगी। मेरे गेटअप पे मत जाइएगा, बहुत सारा काम है तो मैं सारा वही काम कर रही हूँ। और मुझे लग गई है बहुत देर से प्यास। आजकल मैं पानी किसमें पी रही हूँ बताऊँ? बताओ नहीं, दिखाती हूँ, इतना प्यारा लगा मुझे ना। मैंने मंगवाया है द इंडस वैली का कॉपर जग और 2 ये कॉपर टम्बलर सेट, जो कि है बहुत अच्छा और अच्छे के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं इसको क्या करती हूँ ना, मैं पूरे दिन ही इसमें पानी रख देती हूँ पूरे दिन, और मॉर्निंग में भी पीती हूँ, इवनिंग में भी, मतलब पूरे दिन मेरा इसी में से चलता रहता है। इसमें रख देती हूँ, मैं फ्रिज का पानी नॉर्मली पीती नहीं हूँ, तो इसमें रख के और देन उसके पास एक ग्लास भी वही सेम वही हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ। ये है द इंडस वैली का हैमर जग एंड टम्बलर सेट, जो कि है कॉपर का। कॉपर आयुर्वेद के ज़माने से यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वाटर को जो है नेचुरली प्योरीफाई करता है और किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, बॉडी ब्रेक डाउन फैट एंड एलिमिनेट्स एंड मोर इफिशियंटली इट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये तो हम सभी को पता है, और हम सब पानी पीते भी हैं, लेकिन क्या हम सही पानी पी रहे हैं या नहीं? हमने अपने दादा नानी नाना सबको इसमें पानी पीते हुए देखा होगा। कॉपर में जो है ना इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कॉपर के बर्तन में पानी पीने से, आप सिर्फ 2-3 ग्लास भी पीते हैं अगर दिन भर में, तो आपके लिए आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब हम तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं जो इस पानी में आ जाते हैं। ये जो है पानी के नेचुरल प्योरीफिकेशन को बनाए रखता है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी किल करता है। इसमें पानी पीने से हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होती है हमारे स्टमक की, वो भी अच्छी हो जाती है और आपके फैट को भी कम करने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी को सिर्फ ऊपर से ही नहीं अंदर से भी ठीक करता है। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च वायरस कैन सर्टेन ऑन प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील सर्फेस फॉर अबाउट 3 days एंड ऑल्सो कार्डबोर्ड सर्फेस फॉर 1 whole body बट देन इट कॉपर सर्फेस इट कैन सस्टेन फॉर 4 hours। और जब हम सभी को पता है कि कॉपर के इतने सारे फायदे हैं तो इसे हमें अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। स्पॉन्सर वीडियो है तो फिर मैं जस्ट एक वो कर रही हूँ, मैं भी बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं इस तरीके से लूँ और इसमें पानी पीऊँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, इनफैक्ट मेरी नानी भी पीती है, हमेशा से ही पीती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी ज़रूर लीजिए और ज़रूर ही इसमें पानी पीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है। मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है, थर्सडे को थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे पूजा करने में, बाकी दिन तो हो जाता है जल्दी। साईं बाबा आप सभी पे कृपा करें। पूजा जो है मेरी तो हो गई और ये है पंचामृत जो मैंने स्नान कराया था, आंटी जी को देने जा रही हूँ, मैंने भी लिया, वाशरूम के लिए भी रखा हुआ है। नारियल पानी जो है मैंने पी लिया, मेरा पेट एकदम भर गया है और कुछ टाइम बाद बस ये पपाया मैं कट करके खाऊंगी और शाम में कुछ बनाऊंगी। अभी जा रही हूँ आंटी जी को देकर के आके, फिर वाशरूम के लिए खाना बनाऊंगी, फिर उसको मुझे लेने के लिए भी जाना है। वाशु को स्कूल से लेके आ गई हूँ और वाशु को ये मिला है, क्या लिखा है वाशु? जल बचाओ, जल है तो कल है। ओके अब इसमें देखना है कि कौन कौन पानी का सही यूज कर रहा है और कौन कौन वेस्ट कर रहा है। ये वेस्ट कर रहा है, ये वेस्ट कर रहा है और ये वेस्ट कर रहा है और ये नहीं वेस्ट कर रहा, ये भी नहीं वेस्ट कर रहा, ठीक है ये वेस्ट कर रहा है, ये नहीं वेस्ट कर रहा है। ओके ओके बाहर इतनी तेज धूप और गर्मी, मेरा टीका एकदम खत्म हो गया, चलते हुए मैं अपना फलाहार बना लेती हूँ। ये हो चुका है मेरा फलाहार रेडी। देखिए मुझे कुछ और पसंद नहीं आता, मुझे आलू और ये साबूदाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं वेट करती हूँ कि थर्सडे आएगा तो मैं बनाऊँगी खाऊँगी, और साथ में मैंने खीरा कट किया और एक मिर्चा, ये मिर्चा मुझे बड़ा पसंद आ रहा था इसलिए मैंने कहा कि आज मैं तुमको खाऊँगी। चलिए खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। मेरी इस वाली आई में स्वेलिंग है, पता नहीं क्यों ना कल से बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और मैं, मेरे हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं इचिंग कर रही हूँ। कैसे पढ़ रहा है लड़का? हाँ वो पढ़ते टाइम में सारे बच्चों को नींद आती है। लेकिन अगर आज तुम्हें डांट पड़ी तो वाशु तो मैं तुम्हारी आज बहुत पिटाई करूँगी। 2 दिन से इसकी मैम लड़ करने के लिए दे रही है, लड़ ही नहीं कर रहा है। और फास्ट के दिन लोग कहते हैं कि सोते नहीं हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है बड़ी तेज। उसको भी नींद आ रही है पढ़ने, अगर लड़ नहीं हुआ वाशु फिर तुम देखना तुम्हारी आज मैं पिटाई करूँगी। और पता है मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे लोग किसी के लिए बुरा सिर्फ सोचते नहीं हैं, कर देते हैं। सोचना तो दूर की बात है, कर देते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता, सीरियसली नहीं आता, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर किसी का अच्छा नहीं करो तो बुरा भी मत करो। मैंने किसी का अच्छा नहीं किया ना तो बुरा भी नहीं किया है, इस चीज़ का मुझे प्राउड होता है। लेकिन ठीक है चलो, पता है मैं पूजा कर रही थी तो एक यूट्यूबर हैं, मेरी बात नहीं होती है, उनका बच्चा बहुत बीमार है, तो सिंगल मदर है वो। मुझे पता चला तो मैं गई वीडियो देखने, मैं देखती नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन मैं गई देखने तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने साईं बाबा से जब मैं पूजा कर रही थी ना, मैंने दिल से दुआ की कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं किसी की भी प्रॉब्लम देख नहीं सकती। लोगों को प्रॉब्लम देना बहुत अच्छा लगता होगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे किसी की प्रॉब्लम देखी नहीं जाती है, मेरा दिल ऐसा ही है, मेरी बात नहीं होती। लेकिन मैंने दिल से दुआ की कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए बस। और बाकी हाँ, सबके लिए भी मैंने दुआ की कि जो भी परेशान हो सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, सीरियसली सबके लिए। टी शर्ट पहनो, ये तो मैंने पहना था ना कल। नहीं ये वाला नहीं पहना था, ये वो दूसरा है। हाँ ये लो, ये तुम भी कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या? जो तुमने पहना था वो ये है और तुम अभी दूसरा पहन रहे हो, ठीक है? एक आँख मेरी छोटी लग रही है, मुझे हंसी आ रही है, मेरा चश्मा भी टूट गया है कि मैं उसको लगा भी नहीं सकती। एक इसका जो शीशा है ना वो निकल गया, कल इसी तरीके से लगाया था। अब जिस आँख में मुझे प्रॉब्लम उस साइड का ही नहीं है, तो मैं किस तरीके से मैं लगाऊँ? मुझे हंसी आ रही है इसको देख के। पहन लिया? मम्मा बहुत तेज नींद आ रहा है। तो थोड़ी देर सो लो, अभी मैम को आने में 30 मिनट्स है, सो लो थोड़ी देर। लड़ नहीं हुआ है तो फिर जाओ, हाथ पर मुँह धुल गया, ठीक है? सोओगे तभी सोते ही रह जाओगे, फिर उसके बाद उठेगा नहीं, फिर रात में देर से सोएगा, कल सुबह फिर नहीं उठेगा, इस वजह से चलो जाओ। पता है क्या हुआ, मैं इसको स्कूल लेने जा रही थी तो आंटी आई हैं, दरवाजे खटखटाई हैं, मैं फिर उसके बाद गई हूँ तो देखा है आंटी की तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर उनका काफ़ी लो हो गया है,
तो मैं गई थी, थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद से फिर वाशू को लेने गई हूँ तो इलेक्ट्रॉल लेके आई हूँ, फिर आंटी को दिया है बना करके घोल के पीने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ आंटी को देखने और उनको वो क्या बोलते हैं आलू और वो जो बनाया है ना वो भी मैं देने जा रही हूँ। थोड़ा सा खाएंगी तो अच्छा लगेगा ना, नमक वाली चीज़ें हैं तो ले जाती हूँ। वाशू मैं आंटी के यहाँ से आ रही हूँ, ठीक है? हाँ आज धूप बहुत तेज है। आंटी जी, आंटी जी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी आपकी? आंटी जी के लिए मच और प्लेट ये ले जाना। आंटी जी का भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ठीक है, आराम है उनको, कूलर चल रहा है, आवाज़ नहीं आएगी। वाशु भी आ गया है, दरवाज़ा मेरा खुला ही है, सोना है यहाँ पे लेके सो रहा है देखो ये लड़का। चलो आ रही हूँ बस 5 मिनट में, ठीक है? ये लो मोबाइल लेते जाओ, ये वाला लेते जाओ, वहीं पे रख देना। मैंने आई ड्रॉप तो डाल लिया, अभी सिट्रिजिन भी खाना था, लेकिन फास्ट वाले दिन मैं दवा नहीं खाना चाहती। अब इस ब्लॉग का मैं ही एंड कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वाशु को आज मैं ब्लॉग में एंड नहीं करवाऊँगी क्योंकि वाशु से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा ही, तो इस वजह से आज मुझे अकेले एंड करना पड़ेगा वीडियो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, जिनकी पेरेंट स्टिक ले लेके बच्चों को मारते हैं, देखिए बच्चे पढ़ते हैं ना, और मैं इसको पीटना नहीं चाहती हूँ लेकिन ये लड़का अब पिटाई वाला काम कर रहा है तो फिर मुझे पीटना तो पड़ेगा ही, पिटाई होगी होगी, स्टिक लेके आती हूँ मैं भी। चुपकी पढ़ रहा है, चुपकी उसी में रो भी रहा है, उसी में पढ़ भी रहा है। चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में, जैसा भी होगा, नहीं होगा तो शाम से स्टार्ट कर दूंगी या फिर कल से स्टार्ट करूंगी, जो भी होगा जैसा भी होगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय एंड टेक केयर। कर दो हाथ से, बस हाथ दिखा दो, बाय बाय तो कर दो, बाय बाय। चलो पढ़ दूँ।